नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान HSSC की परीक्षा आंसर की लीक होने को लेकर कस्बा कलायत और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। HSSC की परीक्षाओं में हो रही धांधली पर रोक लगाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर नायब तहसीलदार हरदेव सिंह को SDM कलायत के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम लिखित ज्ञापन सौंपा। रोष स्वरूप SDM कार्यालय पहुंचे युवा विक्रम राणा, सुनील समिति तन्नू, नेहा, रुचि शर्मा, रेशु आदि ने कहा कि युवा HSSC की परीक्षा के लिए वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन परीक्षा के दौरान पारदर्शिता ना होने के कारण पेपर लीक हो रहा है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। युवाओं ने HSSC परीक्षा में पैटर्न फिक्स करने, परीक्षा के दौरान पारदर्शिता लाने और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कलायत से हमारे संवाददाता कुलदीप परमार की रिपोर्ट। सर, जो पेपर लीक हो रहे हैं, हम इनके बारे में क्वेश्चन पूछना है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बच्चे मेहनत कर रहे हैं बट पेपर लीक हो गए, जो पैसे जिनके पास पैसे हैं वही आगे बढ़ते हैं, मतलब गरीब क्या पीछे ही रहेंगे? और तीन तीन चार चार साल से कोचिंग ले रहे हैं लेकिन उनको कोई नहीं है, और जो 10-20 दिन में पैसे देके वो लग जाते हैं, ऐसा थोड़े ना चलेगा। सरकार कहना क्या चाहती है, जिसके पास पैसे हैं क्या वही ऊपर जाएंगे और जो गरीब है मतलब वो कुछ नहीं कर सकते? तो हमें उनसे जवाब चाहिए कि आखिर वो चाहती क्या है? बस हमारे पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, पैटर्न हमारे पेपर लीक होने चाहिए, बस फिक्स किया जाए ओनली। तो सरकार से आपकी क्या मांग रही है? सरकार से हमारी यही मांग है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो इनके पीछे दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमारा पैटर्न है जो वो फिक्स और हमारे पेपर को फिक्स किया जाए। मेहनत वालों की हार नहीं होनी चाहिए और जो मेहनत कर रहे हैं उनको कभी भी मतलब सक्सेस ना मिले, ये सबसे बड़ी चोट है स्पेशली गरीब के लिए। लीक हो रहे हैं, 8 अगस्त को भी अभी पेपर लीक हुआ है, बहुत मुश्किल से जाते हैं पहले लेके और फिर पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसे थोड़े ना चलेगा, कौन पढ़ेगा ऐसे और कैसे चलेगा ऐसे दुनिया का? सर ऐसे तो फिर सरकार से भरोसा भी उठ जाएगा कि हर बार ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार से हमारा पैटर्न फिक्स हो, हमारे पैटर्न फिक्स होना चाहिए और पेपर जिन्होंने लीक करवाया ना उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, समझाया जाए कि पैसे से कुछ नहीं होगा, जो मेहनत कर रहे हैं उनको आगे आने दो, क्योंकि मेहनत सबसे बड़ी कुंजी है, जो हमारा देश आगे बढ़ेगा सबसे बड़ी उसके पीछे जो उसकी कुंजी होगी वो मेहनत होगी। तो हमें ये चाहिए कि पेपर लीक ना हो और जो इसका पार्टनर है वो फिक्स हो। हां जी, विक्रम सिंह सर, क्या मामला है SDM कार्यालय? एक्चुअली SDM कार्यालय जो ये युवा वर्ग पहुँचा है, क्या है कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में जो अभी एग्जाम हो रहे हैं HSSC के, तो ये काफ़ी समय से लीक हो रहे हैं, जो युवा वर्ग है काफ़ी 10-10, 12-12 घंटे मेहनत कर रहा है तो फिर भी उनको उचित परिणाम उनका नहीं मिल रहा है। क्या है कि सिफारसी लोग हैं जो रातों रात पेपर को कैच करते हैं वो खरीद लेते हैं, जो आयोग में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो एग्ज़ाम को लीक करा रहे हैं, वो 8-8, 10-10 लाख रुपए में जो पेपर वो लीक कराते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली 7 तारीख को पुलिस की जो भर्ती थी हरियाणा में, उसका एग्ज़ाम इतने लेवल पर लीक हो गया कि बच्चे 100 में जो सिफारसी लोग थे 100 में से 100 नंबर उनका स्कोर रहा, और जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं बच्चे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं उनके हाथों बिल्कुल निराशा लगी। मेरा मुख्यमंत्री जी से और जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, कृपया इन भर्तियों पे रोक लगाएं जो ये इस तरह से लीक हो रहे हैं एग्जाम, और जो एग्जाम जो भर्तियां हैं आने वाले समय में वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हों, और जो कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व प्रदेश में इस तरह की लीकेज कराता है, चाहे वो ए लेवल का अधिकारी हो या डी ग्रुप का, सी का हो या बी का हो, उसके खिलाफ सरकार ऐसा कानून लेके आए ताकि भविष्य में कोई भी 420 या कोई भी ऐसा आदमी जो 2 नंबर का काम करके बच्चों को, जो प्रदेश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो भविष्य में 100 बार सोचे। तो आज ये कोई ज्ञापन वगैरह दिया गया है? जी बिल्कुल, अभी ज्ञापन जो युवा वर्ग है सभी विद्यार्थीगणों ने SDM साहब के मार्फत मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हमारे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नाम से अभी विज्ञापन उनको सौंपने जा रहे हैं।